पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में भारत की मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब पेरिस से भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है। पेरिस ओलंपिक्स के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत की इस शूटर जोड़ी ने साउथ कोरिया के दिग्गज निशानेबाजों को मात देते हुए ये शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच का विनिंग शॉट सरबजोत सिंह ने लगाया और इसके साथ ही सरबजोत सिंह ने अपना पहला ओलंपिक मेडल हासिल कर लिया। इस वीडियो में हम आपको भारतीय शूटर सरबजोत सिंह के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि निशानेबाजी में सरबजोत के करियर की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप आज तक AI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पेरिस ओलंपिक्स में एक बार फिर भारतीय शूटर्स ने अपना जलवा बिखेरा है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। साउथ कोरिया के शूटर्स को मात देते हुए इन दोनों की जोड़ी ने भारत को ये जीत दिलाई है और इसके साथ ही मनु ओलंपिक इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। भारतीय शूटर सरबजोत सिंह के लिए भी ये जीत बेहद खास है, क्योंकि ये उनका पहला ओलंपिक मेडल है और इस जीत के पीछे उनकी कई सालों की कड़ी मेहनत है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाले सरबजोत हरियाणा के एक छोटे से गांव देहान के रहने वाले हैं। सरबजोत के पिता जतिंदर सिंह एक किसान हैं और उनकी मां हरदीप कौर हाउसवाइफ हैं। साल 2001 में जन्मे सरबजोत महज 13 साल की उम्र में ही शूटिंग की ट्रेनिंग लेने लगे थे। सरबजोत ने अम्बाला की AR अकेडमी ऑफ शूटिंग स्पोर्ट्स से कोच अभिषेक राणा से प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा सरबजोत ने पंजाब यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है। पेरिस ओलंपिक से पहले भी सरबजोत ने कई बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सरबजोत ने भारत के लिए अब तक 13 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सरबजोत सिंह ने सबसे पहले 2019 में हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत के लिए 3 मेडल जीते थे, जिसमें 2 सिल्वर और 1 गोल्ड मेडल शामिल है। ये दोनों सिल्वर मेडल्स सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल्स और मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में जीते थे। इसके अलावा सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद 2019 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सरबजोत ने अपना जलवा कायम रखा। 2019 में सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मेंस इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। सरबजोत यही नहीं रुके, इसके बाद सरबजोत ने साल 2023 में एशियाई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और भारत को एक बार फिर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जिताया। इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 में सरबजोत सिंह ने एक सिल्वर मेडल के साथ 2 स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट और 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। वहीं मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सरबजोत ने सिल्वर मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले सरबजोत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। साल 2023 में हुए वर्ल्ड कप में सरबजोत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस इवेंट और मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट्स में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।